ऑस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी घोषणा की जा चुकी है। 13 और 20 नवंबर को दोनों ही राज्यों में मतदान होगा और 23 नवंबर के दिन रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की तरह ही महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी की राह आसान नहीं होगा। खासकर झारखंड की बात करें तो एनडीए ने किसी भी तरह सीटों का बंटवारा तो कर लिया है, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर जंग अभी जारी है और नेताओं के बीच नाराजगी का सिलसिला भी लगातार तेज है। और जिसे भी लग रहा है कि उनका पत्ता इस बार कट गया है, उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो वो एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। अभी तक आजसू के उपाध्यक्ष उमाकांत रजक और हाजरा ने इंडिया गठबंधन का हाथ थामा है और ये दोनों ही नेताओं का हेमंत सोरेन के साथ मिलना एनडीए के लिए सिरदर्द भी बन गया है, क्योंकि झारखंड में ये दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, बीजेपी के लिए अभी आगे की डगर और भी मुश्किल होने वाली है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी को अभी आगे क्या क्या मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। एनडीए में सीटें तो बंट गई, लेकिन राजनीतिक पेंच अभी भी बरकरार। सीटों के बंटवारे से नाराज है एनडीए के सहयोगी दल। आखिरी समय में हो सकता है बड़ा फेरबदल। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 13 और 20 नवंबर को मतदान होना है। वहीं एनडीए गठबंधन ने सीटों का बंटवारा भी कर लिया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बंटवारे से एनडीए के सहयोगी जेडीयू, आजसू और लोजपा खुश नहीं है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 81 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 68 सीटें, आजसू को 10 सीटें, जेडीयू को 2 सीट और लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी को 1 सीट मिली है। इस तरह से सीटों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन इस बंटवारे को फाइनल माना जाए या नहीं ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आजसू टुंडी की सीट मांग रही है। टुंडी का इलाका कुर्मी बहुल है, वहीं बीजेपी टुंडी को अपने पास ही रखना चाहती है। जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू भी 2 सीटों से संतुष्ट नहीं है। उसे इस बात पर भी एतराज है कि सरयू राय की सिटिंग सीट उसे छोड़ना पड़ा है। वहीं LJPR की बात की जाए तो चिराग पासवान को महज 1 सीट ही मिली है, जबकि उन्होंने दर्जन भर सीटों की मांग की थी। तो ये सब देखकर तो यही लगता है कि अभी आने वाले समय में जब उम्मीदवारों को टिकट बांटने का समय आएगा तो एनडीए गठबंधन के अंदर और भी मुश्किलें पैदा होंगी और फिर नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला भी तेज हो जाएगा। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, झारखंड के अंदर बीजेपी के लिए आगे की डगर अभी और मुश्किल होने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।